वो यशस्वी जायसवाल, ये कैसे वर्ल्ड कप खेलेगा, कैसे गुंडा बनेगा रे तू। ये सामने फील्ड में देखिए लड़के खेल रहे। आदमी एक कदम में कितना पैसा कमाने का कोशिश करता है। अच्छा आप वही है ना गंदे मुंह वाले अंकल। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं अभी सुबह नहा धो कर पूजा पाठ करके बाहर निकला हूँ, अभी 7:30 ही बज रहा है और धूप देखिए कितना तेज है एकदम। हाँ एकदम चुंधरा रहा ऐसा धूप है, एकदम आँख छिल मिला रहा। मैं तो सोचा कि हल्का हल्का हवा पानी चल रहा होगा, लेकिन ये तो इतना तेज धूप निकलना पड़ा है, यहाँ एकदम छिल मिला रहा है एकदम ऐसा। तो चलिए आज का प्यारा ब्लॉग हम शुरू करते हैं। और कल वाला मैच में लखनऊ हार गया था, मेरी अरमानों पर पानी डल गया था। हालांकि लखनऊ का एक दो प्लेयर लास्ट वाला अच्छा करके खेला, लेकिन बेचारे को सपोर्ट नहीं मिला इसीलिए मैच लखनऊ हार गई। हम सोचे थे कि लखनऊ जीत जाए तो उन्होंने तो मज़ा आता, आगे ट्विस्ट आता, बट अब तो आगे ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। बट कल जीत जाता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट कोई नहीं, दिल्ली जीता और राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर गया। बताइए हम जीतेंगे, हमारा पड़ोसी क्वालिफाई कर रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं, अभी नाश्ता पानी करते हैं और नाश्ता पानी करके निकलते हैं ड्यूटी के लिए। टाइम हो ही चुका है, 40 हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आज का प्यारा ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने ड्यूटी कर करके, और मैं आप लोगों के लिए एक शायरी सुन करके अभी आया हूँ कि यादों में तेरी याद थी कि याद थी कि तेरी याद थी, और यादों में तेरी याद थी कि याद थी कि याद थी। ऐसा मतलब मैं शेर सुना हूँ जिसने कि बोलते हैं तो बार बार बोलता है, यादों में कि तेरी याद थी कि याद थी। आदमी सुनने वाला परेशान होगा, पूछ में लिखा है ना कि दोबारा सुनने वाला को 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ अपना ड्यूटी कर करके, क्या बताऊँ क्या ब्लॉग बनाऊँ यार। अभी आकर के कपड़ों पर चेंज करके लोहड़ाया हुआ हूँ अपने रूम में, एक ये इधर लोहड़ाया हुआ है, मैं इधर लोहड़ाया हुआ हूँ। बाहर में धूप है और क्या बताऊँ, सामने टीवी है और इधर सामने मैं हूँ और कुछ नहीं। देखिए चाचा क्या मंगवाए चाचा, इसको क्या बोलते हैं, एयरबड्स। अभी क्या बोल रहे थे अभी बोल रहे थे ब्लूटूथ आया, ये खुद नहीं बोल पा रहा। बेच लीजिए इसको 50 रुपया में, 50 रुपया में बेच लीजिए। क्यों 1,000 का है, 1,200 का आया, 1,000 में दे दूंगा। अभी देखिए यही पे दो बात, सौरभ बोला अभी कि 800 रुपये अभी बोला, अब जब बाथरूम में गए थे तो अब बाहर निकल के आए। देखो आदमी एक कदम में कितना पैसा कमाने का कोशिश करता है। आज के टाइम में लेके भी तो आया मैं इतना वजन उठा। आज के टाइम में कोई सगा नहीं, कोई सोचिएगा कि हमारा सगा है तो ईमानदार होगा, नहीं। ये बताइए ये आदमी 800 मंगवाए, अभी क्या बोले 1,200 में लाए 1,000 में बेच लूंगा। क्या बोले पता है, 1,200 में लाए 1,000 में बेच लूंगा। तो बेनिफिट होना चाहिए, तब बोलते ना कि हमको बेनिफिट कमाना। कैसे बोले कि यार मैं 1,000 में लाया, 1,200 में लाया, 1,000 में बेच लूंगा, 800 का बोले तो थे। बताओ कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है। तो ये क्या दिमाग लगा रहा है इसमें, अरे उसको कर रहा है। क्या वारंटी कार्ड होता है ना वो, अच्छा वारंटी कार्ड बना रहा है। ये खो जाएगा 2 दिन में तो वारंटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कोई नहीं आता था उसका ही बना रहा, चलो वारंटी कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वारंटी कार्ड बनवाने का क्या मतलब, खोना तो है ही है, क्योंकि हमारे कंपनी में लगभग लोग ये वाला खो देते हैं, यूज करेंगे बताएगा वहीं रख देंगे, कोई आएगा उठा के चल दिया। छोटे से नोटिस आया तो फिर सबसे बढ़िया ये नेक बैंड, सबसे बढ़िया कोई भी नेक बैंड हो अपना, बस गले में टांग लो। अब कहीं भी काम भी कर रहे हैं ऐसा लगा करके छूट भी गया तो अपना नीचे हो गया, ये अगर निकल गया तो फिर मिलेगा भी नहीं, उसी जगह पर हम काम ही नहीं करेंगे ना लगा के, करता थोड़ी ना सब हो जाता है, समझे। चलिए गाइस ये लोग तो बाहर जाएंगे नहीं घूमने, तो हम ही चलते हैं घूम करके आते हैं। गाइस हमारे लिए एक शुभ संकेत है, पता है क्या, लोग इधर क्रिकेट भी खेलते हैं गाइस। आज पहला दिन मैं देख रहा हूँ, शायद ये लोग पहला दिन खेलने आए हैं। देखिए ये सामने फील्ड में देखिए लड़के खेल रहे हैं सब, देखिए थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं गाइस। बड़ा ये वो है बाउंड्री है, देखिए इतना लंबा बाउंड्री है, हालांकि लेग और ऑफ में छोटा है, लेकिन अगर ये लोग अगर निरंतर खेलेगा जैसे आज खेल रहा है, पहला दिन देख रहा हूँ मैं, अगर मैं ऐसा हर रोज़ दिन देखूँगा मैं भी जाऊंगा खेलने। आज पहला दिन ये लोग खेलने भी आया है, क्योंकि मैं हर रोज़ छत पे आता हूँ घूमने तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, आज छत पे आया हूँ घूमने तो देख रहा हूँ ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर ये कल भी खेलेगा परसों भी खेलेगा तो
तो संडे से मैं भी जाऊंगा गाइस। मैं सोचा था कि बाहर जाऊंगा घूमने उधर मार्केट में, लेकिन इधर अगल बगल में कुछ खाने पीने के लिए मिलता नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर वहाँ जाना पड़ता है। जिस दिन मुझे ये पैट लेना था उस दिन तो मैं चला गया था पैदल पैदल, लेकिन अब अकेले क्या जाऊँ, ये लोग रूम से निकले नहीं, तो मैं बोला कि घूमने जाता हूँ। मैं छत पे आ गया, मैं छत पे आकर के बैठ के उधर देख रहा था, गाड़ियाँ गिन रहा था किधर से उधर से कितनी गाड़ियाँ जाती है ये सड़क पे। तो मैं देखा कि ये लोग बच्चा सब क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं भी खुश हो गया कि मैं भी अब खेलूँगा। अगर संडे तक देखूँगा रोज खेलता है तो संडे से मैं भी जाऊँगा खेलने, और अगर देखेंगे आज भर खेलेगा तो फिर आ जाऊँ। दोस्तों मैच का हाल तो ये है कि राजस्थान का एक विकेट गिर चुका है, वो SSV जायसवाल ये कैसे वर्ल्ड कप खेलेगा, कैसे गुंडा बनेगा रे तू। हाँ बता, ये बता पहले बॉल में ये ऐड देखने में लगे हैं भाई। और गाइस पता है ये लोग नहीं आ रहे थे, बुला रहे थे तो कि आ जाइए छत पे घूमते हैं। तो मैं बोला कि सामने वाला ग्राउंड में ना लड़की सब क्रिकेट खेल रहा, तीनों लोग दौड़े दौड़े आए। देखो देखिए चाचा आप तो बूढ़ा हो लिया, आप तो कम से कम सोचते हैं यार। बताओ नाइट में कौन सी लड़की क्रिकेट उस टाइम खेल रही थी ना, अभी आए हुए आप लोगों को 10 मिनट हो गया, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। अंधेरा अभी तो हुआ है, 10 मिनट में अंधेरा हो गया और क्या, 10 मिनट में तो अंधेरा होता है, 1 मिनट में तो अंधेरा होता है उजाला से अंधेरा। देखिए एक विकेट गिर गया है 9 रन पे, राजस्थान रॉयल्स का SSV जायसवाल आउट हो गया। ऐसे खेलोगे भैया तो तुमको झूठो मूठो चोटिल करके सुमन गिल को खिलाना शुरू कर देगा। बता दे रहे हैं पहले ठाकुर तो गए आज। आज राजस्थान की नैया डूब गई है 14 ओवर 5 गेंद में 102 रन 6 विकेट पे। अरेरा परेरा कौन कौन आया है इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट की जगह पे, और रियान पराग ये क्या है, आउट का अपील किया है क्या? अच्छा आप वही है ना गंदे मुंह वाले अंकल, वो बैडमिंटन देखे हैं पंजाब हावी हो गया है राजस्थान रॉयल्स पे, देखिए एकदम प्रेशर बना करके रखा है एकदम कहीं। अरे भाई साहब दो दो स्लीप देखिए, तो दो दो स्लीप यहाँ, एक नहीं दो दो टेस्ट मैच बना दिए हैं, टेस्ट मैच बना दिया भाई साहब। पहला ओवर में ही बवाल मचा दिया राजस्थान रॉयल्स, 6 रन पे 1 विकेट गिरा दिया। प्रभ सिमरन 4 बॉल में 6 रन मार करके आउट, तो या तो छक्का मारा होगा तो चौका मार के डबल लिया होगा। अभी तो मैं जस्ट चालू किया हूँ टीवी, देख रहा हूँ ले तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई, पता नहीं मैच का क्या हाल होगा दोस्तों। लेकिन हमारा हाल ये है कि चलते हैं सोने, तो हम सोचे कि ब्लॉग समाप्त कर देते हैं और मैच का हाल आप लोगों को कल देखेंगे, रोज आधा अधूरा देते हैं तो आज पूरा कैसे दे सकते हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं सोने दोस्तों, और मिलते हैं आप लोगों से अब कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।